अपने कर्मचारियों को हर साल दिवाली पर कार और फ्लैट जैसे महंगे गिफ्ट देने वाले मशहूर डायमंड कारोबारी सवाजी ढोलकिया भी सुस्त अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो इस बार अपने कर्मचारियों को दिवाली पर महंगे गिफ्ट नहीं देंगे। सुस्त अर्थव्यवस्था का असर डायमंड सिटी सूरत के 5 लाख कर्मचारियों पर साफ दिख रहा है। श्री हरिकृष्ण एक्सपोर्ट के चेयरमैन सवाजी ढोलकिया ने कहा है कि इस बार कर्मचारियों को गिफ्ट यानी बोनस नहीं दिया जाएगा। ढोलकिया ने कहा कि ये मंदी 2008 से भी ज्यादा बुरी है। पूरी डायमंड इंडस्ट्री ही सुस्ती की मार झेल रही है। ऐसे में हम कर्मचारियों को गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? मुझे उनकी आजीविका की ज्यादा चिंता है। पिछले 7 महीनों के दौरान 40,000 से ज्यादा डायमंड कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ी है। यही नहीं, जो मौजूदा हालात में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में 40% की बड़ी कटौती की गई है। देश मंदी के दौर से गुजर रहा है और जो कंपनियां किसी तरह काम कर रही हैं वो मजबूरी के साथ काम कर रही हैं। सूरत डायमंड एसोसिएशन यानी SDA के अधिकारियों के मुताबिक सूरत में बीते कुछ महीनों में करीब 20% डायमंड यूनिट्स में काम ठप पड़ चुका है। इसके पीछे खनन कंपनियों द्वारा मोटे तौर पर रेट में वृद्धि और पॉलिश डायमंड के प्राइस में लगातार दर्ज की जा रही गिरावट जिम्मेदार है। ढोलकिया पहली बार तब चर्चा में आए थे जब साल 2015 में दिवाली पर उन्होंने अपने 1200 कर्मचारियों को 491 फिएट पंटो कारें, 200 फ्लैट और आभूषण दिए थे। ढोलकिया ने 2000 कर्मचारियों को डॉटसन रेडी गो, मारुति ऑल्टो कारें और आभूषण गिफ्ट किए थे। ढोलकिया ने साल 2016 में भी अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर कार, फ्लैट और ज्वेलरी दी थी। उनकी कंपनी में 5000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो डायमंड ज्वेलरी बनाकर विदेश निर्यात भी करते हैं। जनरल डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस।